हमारा जो फ्यूचर है बिल्कुल बर्बाद कर दिया है जी साहब ने। जहाँ लेना है मुझे लीजिए, गोली मारिए, पहले गोली मुझे मारना, जिसने भी आना आगे। खुला चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज है ये मेरा जी साहब से। दूसरा दिन हो, दूसरा महीना हो, दूसरा साल हो, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। हमारी और कोई डिमांड नहीं है, हमारी ये डिमांड है कि हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं, हम हैंड होल्ड अपील कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। एक नारा सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप ने बेटी पढ़ाई और गवर्नमेंट ने रोड पे लाई। आज भारत की बेटियां रोड पे हैं, सड़क पे हैं। आपके साथ इनजस्टिस होता है तो मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा, आज वो इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, मुझे सिर्फ हम मतलब मैं अपनी 2-3 हजार टीचर्स की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें सिर्फ रेगुलराइजेशन चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें रिटर्न ऑर्डर दे, हमारी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। पढ़ा लिखा यूथ है और हमारी जो पोस्टें फ्रीज थी उनको डी फ्रीज किया गया, उनको वापस फ्रीज किया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्टें हैं तो उन्हें तब 2019 में जब हमें लगाया था तब क्यों नहीं हमारे लिए रेगुलराइजेशन वाला प्रॉपर निकाला था, हम एग्जाम देते आते तब क्यों नहीं इनको डिफेंस। पीछे नजरें घुमाओ जरा कि क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ। हम सिर्फ इनको यही बोल रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, नहीं तो हमें मार दिया जाए। दो ऑप्शन है इनके पास, इनको कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, या हमें गोली मार दी जाए ओपन चैलेंज है, या हमें रेगुलराइज कर दिया जाए। बस बेटी खुद बोल रही है गोली मारो मुझे, क्या बेटी बचाएंगे ये? कुछ नहीं बचाएंगे। बेटी खुद बोल रही है गोली मारो मुझे, ये बेटी बचाएंगे? ये सिर्फ ड्रामे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। रविंदर रैना जी ने कल क्या कहा, परसों क्या कहा, वो रोज ही, वो हमेशा हमारे साथ यही बोलते आए हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ नीचे बैठूंगा, मैं धरने में बैठूंगा। कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ प्रोटेस्ट करूंगा नीचे बैठ के। कहाँ पे हैं रविंदर रैना जी? आज तो नहीं दिखे ना। दो ऑप्शन है सरकार के पास, या तो हमें गोली मार दी जाए या तो हमें रेगुलराइज किया जाए, यही ऑप्शन है उनके पास। अब सरकार ऐसे ऑर्डर पास क्यों करती है जिसे जो है यूथ को खराब करने के लिए, यूथ को रोड लाने पे लाने के लिए। सरकार यही चाहती है कि यूथ रोड पे आए, प्रोटेस्ट करे, पत्थर उठाए, गोली उठाए, यही सब चाहती है सरकार। काम का समझ नहीं आता है उनको, कुछ काम भी करना होता है।